वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इंटेलिजेंस होता क्या है। तो बेसिकली जो बुद्धि होती है, बुद्धि सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि जो है वो सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिकों द्वारा ही उसका चिंतन किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि सोचने, समझने और निर्णय करने की शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं। इसके अलावा स्टर्न ने बताया था कि जब हम अपनी बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, उसको हम जब हम अपने नए अपने विचारों को अपनी परिस्थितियों के साथ अपने विचारों का अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम में बुद्धि है। तो बेसिकली बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है वो एक सीखने की योग्यता है, समझने की योग्यता है। कोई भी व्यक्ति है, हर हर व्यक्ति में एक सर्टेन लेवल तक बुद्धि होती है। मतलब हर व्यक्ति, ये एक जन्मजात गुण है कि हर व्यक्ति में बुद्धि होती है। और इसको जो है वो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बुद्धि जो है वो जानवरों में भी होती है। जैसे कि हम लोगों ने मेरे ख्याल से सभी ने शायद ये कहानी सुनी होगी अपने बचपन में, कि एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था और उसको एक घड़ा दिखा जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। तो उस कौवे ने क्या किया कि वो कुछ कंकड़ उठा के लाया और उसने वो कंकड़ घड़े में डाले और पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पी लिया, अपनी प्यास बुझा ली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उस कौवे में भी एक काफी अच्छी उसके बुद्धि का स्तर काफी अच्छा था, क्योंकि उसने एक उपाय निकाला कि हम जो है वो मैं घड़े में पानी कम है तो मैं उसमें कंकड़ डालता हूँ और पानी ऊपर आ जाएगा तो मैं पानी पी लूंगा। तो इसे भी हम बुद्धि का एक अच्छा उपयोग मानेंगे। तो बुद्धि जो है वो एक सीखने की क्षमता है, और उसके अलावा जो आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है, उसको आगे उसके लिए मतलब उस बुद्धि को आगे किस तरीके से आप यूज करते हैं, किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं, ये बुद्धि है। इसके अलावा कहा गया कि बीइंग इंटेलिजेंस मींस टू बी एबल टू कॉग्निटिव ग्रास्प फेनोमेना, बीइंग एबल टू जज, टू ट्रेड ऑफ बिटवीन पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और टू बी एबल टू लर्न। यानी कि बुद्धि वह क्षमता है जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, आपके पास कई तरीके के उपाय हैं लेकिन उसमें से आप जो सबसे बेहतर उपाय चुन सकते हैं, वो उपाय चुनने की जो क्षमता है वह बुद्धि है। इसके अलावा ये बताया गया कि अपने वातावरण के साथ जो अच्छे से सामंजस्य बिठा सके वह व्यक्ति बुद्धिमान है। तो बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बुद्धि व्यक्ति में जन्मजात शक्ति है, बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से सामंजस्य बिठाने में मदद करती है। इसके अलावा है बुद्धि जो है व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अमूर्त चिंतन कर सकता है। बुद्धि जो है वो व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी ऐसा काम जो जिसका कुछ उद्देश्य हो, जिससे आपको कुछ लाभ हो, जैसे अभी आप साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल करेंगे, इस समय आप अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, जो कुछ भी आपको बताया जाएगा उसको आप ग्रैस्प करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे और उसको जब आप आगे इम्प्लीमेंट करेंगे किसी चीज में, तो वो आपकी बुद्धि का उपयोग है, सदुपयोग है, कि किस तरीके से आपने किसी चीज को सीखा, उसके बाद उसको अपने अंतर्मन में बैठाया और उसके बाद उसे आपने लोगों के ऊपर अप्लाई किया, या कोई भी ऐसा मानसिक रोगी है या किसी के मानसिक जो आपका स्वास्थ्य है उसमें थोड़ा बहुत भी कोई परेशानी है, जैसे कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, ये सारी चीजें डील करने में आपको ये साइकोलॉजिकल टेस्ट मदद करेंगे। उसके अलावा बुद्धि जो है वह पुराने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता भी है। अब ऐसा है कि जैसे हमारे जो अनुभव होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम केवल अपने ही अनुभवों से सीखें,
तब हम अपने पुराने अनुभवों से सीख सकते हैं कि पत्थर से टकराए तो हम नीचे गिर गए, ये हमने अपने अनुभव से सीख लिया, लेकिन हम ये किसी दूसरे के अनुभव से भी सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि सिर्फ अपने अनुभवों से सीखने की क्षमता है, बुद्धि दूसरों के अनुभव से सीखने की भी क्षमता है। अगर हम देखते हैं कि आग में लगाने से किसी का हाथ जल गया है, तो हम उसे देख करके भी ये सीख सकते हैं कि जब अगर हम आग को छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो बुद्धि जो है वो अनुभवों से सीखने की भी क्षमता है, वो अनुभव चाहे आपके हो या किसी और के हो। उसके अलावा बुद्धि मानसिक गुणों का एक समूह है कि आप जरूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बुद्धि केवल उन लोगों में होती है जो पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धि उनमें भी होती है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जैसे एक कारपेंटर है, तो वो कुछ बहुत अच्छा बेड सोफा बनाता है या बहुत अच्छा कुछ इनोवेट करता है। आजकल जैसे रेक्लाइनर्स चले हैं, ये सब इनोवेशन उन्हीं के हैं, उन्होंने ही किसी ना किसी तरीके से इसको इजाद किया है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि है दो तरीकों से बुद्धि को हम समझ पाते हैं। एक तो है वर्बल इंटेलिजेंस और दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, या इसे हम परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस बेसिकली पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, जिससे मतलब पढ़े लिखे लोगों से इन द सेंस की जिनको थोड़ा बहुत भी लिखना पढ़ना आता है, जो चीजों को समझ सकते हैं। जैसे कि हम पेपर पेंसिल टेस्ट अगर करते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चंस दिए हैं वो उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उनको समझ के उनका जवाब दे सकते हैं। तो ये वर्बल इंटेलिजेंस है। इसी के साथ ही दूसरा होता है नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस, यानी कि ऐसी ऐसी बुद्धि जो जिसमें लिखना पढ़ना नहीं है, लेकिन आप देख करके समझ सकते हैं चीजों को, आपको बताया जाएगा, आप उसको कॉपी करके समझ सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो जैसे कि वेशलर ने जो प्रयोग बनाया, उन्होंने अपना इंटेलिजेंस टेस्ट जो बनाया वो उन्होंने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों दोनों तरीकों से बनाया। उन्होंने कहा कि जो छोटा बच्चा है, जरूरी नहीं है कि वो उतना प्रॉपर लिख पाए, तो उन्होंने कुछ ब्लॉक डिजाइन बनाए, कुछ पजल्स बनाए, कुछ अः लाइन्स बनाई जिन्हें सेम देख करके ड्रॉ करना था। तो ये सारी चीजें जो है वो बनाई गई ताकि जो लिख नहीं सकता, चाहे वो छोटा बालक हो या कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, जब वो लिख पढ़ नहीं सकता तो वो किस तरीके से अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर सकता है, किस तरीके से वो लोगों को बता सकता है कि हाँ मैं भी बुद्धिमान हूँ, मैं भी कर सकता हूँ कुछ। तो ये सारी चीजें जो है इंटेलिजेंस में आती हैं। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को दो फैक्टर्स में डिवाइड किया, दो कैटेगरीज उसने उसमें बनाई। एक तो बनाया जनरल फैक्टर्स, जिसे हम एब्रिवेट जी भी कहते हैं। तो इसमें इसमें वो कॉग्निटिव एबिलिटीज आती हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, लर्निंग और डीलिंग विद नोवेलिटी, ये सारी चीजें जो हैं वो जी फैक्टर में आती हैं। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरा फैक्टर बनाया जिसे स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर कहते हैं। इसमें वो एबिलिटीज आती हैं जो जिसको इंसान अगर लिख नहीं सकता पर समझ सकता है, जैसे कि भाषा। भाषा भी बुद्धि का ही एक प्रकार है कि अगर हमें कुछ समझ में आ रहा है उसी को हम भाषा का रूप दे रहे हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि हम में बुद्धि है और हम जो है अपनी भाषा के द्वारा आपको ये बता पा रहे हैं। इसके अलावा कोई आर्टिस्ट है, कोई राइटर है, राइटर नहीं, कोई आर्टिस्ट है जो की पेंटिंग्स बना रहा है, तो उसके अंदर उस तरीके की बुद्धि है, एक आर्टिस्टिक बुद्धि है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि केवल लिखने पढ़ने से ही रिलेटेड है, बुद्धि कई तरीके से आ सकती है। और इसके अलावा हमने कई बार ये भी देखा है कि जैसे मैथ्स होती है, मैथ्स हम नॉर्मली स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि कई बार सब्जी बेचने वाला या फिर रिक्शा चलाने वाला, इन सब लोगों में भी पैसे को लेकर के, जैसे हम पैसे की बात करते हैं कि भैया कितना हुआ, तो जैसे हम उन्हें एक बड़ा नोट देते हैं तो हमें बराबर पैसे वापस लौटाते हैं, क्योंकि उनको उनके अंदर एक सर्टेन लेवल तक वो बुद्धि है कि वो इस चीज का अंदाजा लगा सके कि अगर इन्होंने इतने रुपए की चीज खरीदी है
और इतने का उन्होंने नोट दिया है तो मुझे उनको कितने पैसे वापस करने हैं। तो बुद्धि किसी भी तरीके से इंसान में आ सकती है, किसी भी तरीके की बुद्धि हो सकती है जो कि इंसान को बुद्धि बता सकती। केवल यही नहीं कि पढ़े लिखे लोग बुद्धि बुद्धि बुद्धिमान होते हैं, अनपढ़ लोग भी बुद्धिमान होते हैं और उनके भी कई तरीके के उसमें भी कई प्रकार होते हैं कि कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई म्यूजिशियन हो सकता है। इसके अलावा अपने वातावरण के साथ अगर कोई व्यक्ति सामंजस्य बैठा लेता है, अगर वो अपने वातावरण के साथ जैसे सोसाइटी है उसके साथ जीना सीख जाता है तो उस व्यक्ति में बुद्धि है। ये हमारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि जो है अगर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ, अपने सोसाइटी के साथ अच्छे से सामंजस्य बैठा लेता है, उनके साथ आराम से रह सकता है, खा सकता है, काम कर सकता है, तो वह व्यक्ति बुद्धिमान है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट की शुरुआत जो है वो फ्रांसिस गैल्टन ने की थी। उन्होंने सबसे पहले जो है वो सेंसरी और मोटर स्किल्स को मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया था। उसके बाद वो उतना सफल नहीं हो पाया उनका वह टेस्ट, तो उसके बाद जो नया टेस्ट इंटेलिजेंस के लिए डेवलप किया गया वो एल्फर्ड बिने एंड साइमन द्वारा किया गया 1905 में, और उसके बाद इन्होंने इसको रिवाइज 1908 और 1911 में रिवाइज किया। तो उन्होंने आ, आ, बिने को स्पेन में ये कहा गया था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना कि उन्हें जितना कि बाकी बच्चे कर रहे हैं। एक समान व्यक्तित्व, एक समान शरीर, एक समान मानव शरीर पाकर के भी कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ बच्चे बहुत कुछ सामान्य परफॉर्म करते हैं और कुछ बहुत कम। तो इस ये जो डिफरेंस था बच्चों के इंटेलिजेंस में या बुद्धि में, इस डिफरेंस को समझने के लिए बिने को एक ऑफर दिया गया। उनको ये कहा गया कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर परेशानी कहाँ है। टीचर सेम है, क्लास सेम है, बच्चों में कोई फिजिकल डेफिशिएंसी नहीं है, तो फिर बच्चे क्यों नहीं उस लेवल का परफॉर्म कर पा रहे हैं जिस लेवल का कुछ बच्चे कर रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर के बिने एंड साइमन ने मिल करके एक टेस्ट बनाया, इसे बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट कहा गया। और उन्होंने जो है इस टेस्ट को उन्होंने बच्चों पे अप्लाई किया और उसके बाद उन्हीं के द्वारा ये कहा गया कि कुछ बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की नीड है, कुछ बच्चों का मानसिक स्तर उतना ऊपर नहीं होता है जितना कि होना चाहिए, जितना कि उनको कुछ बच्चे मानसिक, उन्होंने कहा कि बुद्धि में भी भिन्नताएं हैं, कुछ बच्चे जीनियस होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, एवरेज बुद्धि के होते हैं, कुछ लो होते हैं और कुछ डेफिशिएंट होते हैं। ये उन्होंने एक क्राइटेरिया निकाला अपने टेस्ट के आधार पे और उसके बाद उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने बिने एंड साइमन ने एज और मानसिक लेवल को लेकर के, मेंटल एज और एज को लेकर के एक रेशियो बनाया। उन्होंने कुछ टेस्ट बनाए और उसके आधार पे उन्होंने इस तरीके से वो उसका इंटरप्रेट करते थे कि 7 साल का बच्चा, अगर एक 7 साल के बच्चे के लिए उन्होंने एक टेस्ट बनाया है और 7 साल का बच्चा उस टेस्ट को अप्लाई कर ले रहा है तो उसकी बुद्धि वो इंटेलेक्चुअल है, लेकिन अगर 6 साल का बच्चा उस चीज को कर ले रहा है तो वो जीनियस है, और अगर 8 साल का बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उन्होंने कहा कि वह सामान्य है, अगर 9 साल का नहीं कर पा रहा है तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा कम इसको स्पेशल नीड की आवश्यकता है, और अगर 10 साल का बच्चा इसे नहीं कर पा रहा है तो वो मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि बालक है, उसको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, स्पेशल केयर की जरूरत है, स्पेशल नीड उसकी है। उसके बाद धीरे धीरे ये चीजों में नए सुधार होते गए। लोग जो हैं वो मनोवैज्ञानिक, इसमें अपनी तरफ से कई मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बुद्धि के ऊपर कई परीक्षण किए, कई प्रयोग बनाए। उसके अलावा उसके बाद फाइनली एक फॉर्मूला बनाया गया मानसिक आयु को नापने के लिए। उस फॉर्मूले को बनाया गया कि आपकी मेंटल एज आपको एक सर्टेन एक
टेस्ट दिया जाएगा, जिस टेस्ट को आप करेंगे उसके बेस पे आपकी मेंटल एज निकलेगी, जो उसका रॉ स्कोर होगा। जैसे कि अगर 10 प्रश्नों का एक क्वेश्चनायर है, तो उसमें हर क्वेश्चन पे आपको हर सही क्वेश्चन पे आपको एक सही मार्क्स मिलना है और गलत क्वेश्चन पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलना है। तो उसके आधार पे रॉ स्कोर डिसाइड होता था कि 10 में से मान लीजिए आपके 10 आ गए, तो आपकी मेंटल एज 10+ डिवाइडेड बाय योर क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपकी इस समय उम्र है, उसको डिवाइड किया जाता था और देन उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता था, तो आपकी जो बुद्धि का IQ जो आपका था वो निकल के आता था। तो इस तरीके से IQ का उद्भव हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने IQ का प्रमाण दिया और कई सारे ऐसे टेस्ट किए जिससे कि आप IQ को समझ पाए। तो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा IQ मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे अपने सेक्शन में, जो है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि आज का पहला प्रैक्टिकल है आपका। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसको डॉक्टर RK ओझा द्वारा बनाया गया है और ये एक बहुत साधारण बुद्धि परीक्षण है। इसको इसको करने के लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं। और ये एक्चुअली ये जो टेस्ट है, ये 6 से 17 साल के बच्चों के लिए है। तो इस टेस्ट में जब आप इस टेस्ट को अपने जो आपका प्रयोज है उस पे जब आप अप्लाई करेंगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उसकी एज इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस टेस्ट में जो प्रयोज्य है उसकी उम्र जो है वो 13 से 20 साल के बीच के प्रयोज्य को हम इसमें इस टेस्ट को करवाते हैं। तो इस टेस्ट में जो प्रयोज्य है उसकी उम्र 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप समय का पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको 40 मिनट में ये टेस्ट पूरा करवाना है, और बाकी इसमें जो फिलिप्स हैं, जो सब कुछ दिया हुआ है कि नाम भरनी है, शैक्षिक योग्यता, ये सब, ये सारी चीजें आप उसे फिल कराएंगे। और उसके अलावा आप उसे ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि जब तक आप उससे नहीं कहेंगे, आप वो इस बुकलेट को ओपन नहीं करेगा। ये एक बुकलेट फॉर्म है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ इस तरीके की बुकलेट रहती है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ऐसे बुकलेट होती है, इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बुकलेट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और ये PPT भी हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरीके से आप पहले उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि यह एक सामान्य बुद्धि परीक्षण है, इसको करने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो जो कि बहुत टफ हो या जो आपको नहीं पता हो। बहुत सरल सी चीजें हैं और आप आराम से बिना किसी घबराहट के इसको इस क्वेश्चनायर को फिल कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर भी कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। तो ये बुकलेट का फर्स्ट पेज है। इसके बाद आप जैसे नीचे आएंगे तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो इसमें जैसा कि लिखा गया है कि नीचे आपको प्रत्येक लाइन में 5 शब्द मिलेंगे, इनमें से 4 तो एक से हैं, परंतु 5वां इन चारों से नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि इसमें आपको क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन कैसे करना है कि 4 चीजें एक सी हैं और जो अलग है, जो उससे मिलता नहीं है, उसको आपने सर्कल करना है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। जैसे उदाहरण दिया गया है, मन शेर गज तोला माशा, तो उन्होंने गज के नीचे लाइन लगाई है क्योंकि यहाँ पर मन से तोला और माशा
तोलने के काम आते हैं, परंतु गज जो है वो तोलने के काम नहीं आता है। इसलिए गज जो है इन चारों शब्द से अलग है, तो इसके नीचे इन्होंने लाइन खींच दी। तो इसी प्रकार आपको 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन 15 को इसी तरीके से क्लासिफिकेशन करवाएंगे आप बच्चे को। बस केवल ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद बच्चा जो है बाकी के सारे टेस्ट स्वयं करेगा, उसको खुद करने होंगे। और जैसे ही उसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो क्योंकि इसमें टाइम लिमिट दी है, 3 मिनट का टाइम है, ऊपर आप अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो इसमें 3 मिनट का टाइम दिया हुआ है, तो 3 मिनट में बच्चे को ये क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। फिर इसके बाद जब वो ये कंप्लीट कर लेता है, आप उसे थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम दें, देन उसका सेकंड पार्ट आता है। तो इसके सेकंड पार्ट में फिर वही निर्देश और उदाहरण दिया गया है, समय दिया गया है 4 मिनट का। तो इसके निर्देश है कि नीचे प्रत्येक लाइन में 3 शब्द बाई तरफ और 4 शब्द दाई तरफ दिए गए हैं। बाई ओर के शब्द, उनमें से पहले 2 शब्द से आपस में उनका संबंध है, और तीसरा और इसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध दाई ओर लिखे हुए 4 शब्दों से है। तो आपको ये बताना होगा कि इन चारों में से वो कौन सा शब्द है जिसका संबंध बाई ओर के तीसरे शब्द से है। तो दाई ओर वाले शब्द के नीचे लाइन खींच दीजिए। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, कमान, तीर, बंदूक, और फिर उसके बाद इन्होंने एक टेबल बनाई है जिसमें मारना, रक्षा, कारतूस और दुनाली दी है। तो कमान, तीर, तीर, तीर और कमान जो है वो एक जैसे शब्द हैं, इनका आपस में संबंध है। तो इसी तरीके से बंदूक और कारतूस के नीचे एक अंडरलाइन कर दी गई है। तो यहाँ पर कमान का तीर से जो संबंध है, वही संबंध बंदूक का कारतूस से है। तो कमान जो है वो तीर के लिए आवश्यक है, इसी तरीके से कारतूस बंदूक के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर बाकी के क्वेश्चंस वो कर लेगा बच्चा। 4 मिनट उसको दिए जाएंगे इसको करने के लिए। और इसको हम मतलब इसमें हम तुलना करते हैं, जो एनालॉगस है वो तुलनात्मक अध्ययन होता है इस वाले टेस्ट में। देन आपका तीसरा पार्ट आता है इस टेस्ट का। इसके लिए आपको 4 मिनट दिए जाएंगे। आप इंस्ट्रक्शन बच्चे को जैसे ही वो नेक्स्ट पार्ट पे जाता है तुरंत देंगे कि इसके लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसमें इसके निर्देश आप एज इट इज उनको पढ़ के बताएंगे, जैसा कि हमारे इसमें लिखे गए हैं, बुकलेट में लिखे गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि नीचे प्रत्येक लाइन में बाईं तरफ शब्द दिया हुआ है और उसी के सामने दाहिनी तरफ 4 शब्द दिए हैं। आपको दाईं ओर दिए हुए 4 शब्दों में से 1 शब्द छांटना है जिसका अर्थ वही निकले जो बाईं तरफ के शब्द का अर्थ होता है। दाईं ओर वाले जिस शब्द को आप छांटते हैं उसके नीचे लाइन खींच दीजिए। उदाहरण के लिए जैसे लोहकार, बर्तन, धातु, लुहार, कलाकार। तो लोहकार एक शब्द दिया गया है और उसके अलावा 4 शब्द दिए गए हैं, बर्तन, धातु, लुहार, कलाकार। तो अभी आप ऊपर बाई ओर की बाई तरफ 1 शब्द लोहकार दिया हुआ है और दाई ओर 4 शब्द दिए हुए हैं। इसमें लुहार एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ लोहकार से मिलता जुलता है, इसलिए लुहार के नीचे इन्होंने लाइन खींच दी है। तो इस तरीके से आप जो आपका प्रयोज्य है उसको ये बताएंगे कि उसने किस तरीके से इस टेस्ट को करना है और उसके लिए उसको कितना समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब हमारा तीसरा भाग खत्म हो जाएगा, फिर हम बच्चे को थोड़ा समय देंगे, उसके बाद हम चौथा भाग शुरू करेंगे। इस चौथे भाग में हम, क्योंकि ये मैथ्स से रिलेटेड है, तो इसमें 5 मिनट का समय दिया गया है। तो इसमें फिर आप उसी तरीके से बच्चे को समझाएंगे और निर्देश देंगे कि नीचे प्रत्येक लाइन में कुछ संख्याएं दी गई हैं जो एक विशेष क्रम के अनुसार हैं। अंतिम संख्या के सामने बॉक्स है जिसमें वह संख्या लिखनी है जो कथनानुसार ठीक बनती है। उदाहरण के लिए जैसे 1, 4, 7, 10, 13, 16 एंड 19, तो ये संख्याएं दी गई हैं। अब ऊपर की संख्या को ध्यान से पढ़ने पर यह तथ्य निकलता है कि प्रत्येक संख्या एक विशेष क्रम के बाद आते हैं। जैसे पहली संख्या 1 में 3 जोड़े तो 4 बन जाती है, और यदि 4 में 3 और जोड़ दिया जाए तो 7 बन जाती है। इसी प्रकार 7 में 3 और जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में 3 और जोड़ेंगे तो 13, 13 में 3 और एड करेंगे तो 16, और फिर +3 करेंगे तो 19।
तो ये एक क्रम बना हुआ है, एक विशेष क्रम बना हुआ है। इनमें दी हुई संख्याओं का पहले क्रम समझना जरूरी है। तो इस तरीके से आप उसको प्रयोज को ये समझाएंगे कि किस तरीके से उसे यह काम करना है, जो अटेंड करना है, और जब वो इसे अटेंड कर लेता है तब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, जो है कि जो पार्ट 5 है। तो इसमें इसके लिए भी हमें 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी हम 5 मिनट का समय देते हैं प्रयोज को, और उसको इसी तरीके से निर्देश बताएंगे कि नीचे 4 गद्य के वाक्य दिए हैं, प्रत्येक में से कुछ शब्द निकाल दिए गए हैं, निकाले हुए शब्दों के स्थान पर 1, 2, 3 आदि संख्याएं लिखी हुई हैं, प्रत्येक संख्या के लिए दाई ओर 4 शब्द दिए हुए हैं, इन 4 शब्दों में से एक शब्द ऐसा छांटिए जो वाक्य को पूरा करता हो और उपयुक्त भी हो। जो शब्द आपने छांटा है उसे लाइन के नीचे लिख दीजिए। तो जैसे फर्स्ट लाइन में, जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में लिखा है मनुष्य को डैश बड़ा प्रिय है वह एक, तो इधर जो आपके राइट साइड में जो लाइंस दी हुई हैं उसमें 4 शब्द दिए हैं, इंतजार, महानता, दौलत और धन। तो इस तरीके से इन 4ों में से आपने एक वर्ड छांट करके फर्स्ट जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर लिखना है। उसके बाद आप सेकंड लाइन में आते हैं, तो स्टार्टिंग में नंबर दिया हुआ है, उसके बाद फिल करना है, आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया है, फिर व्यर्थ में नहीं खोना चाहता। तो सेकंड आप देखिए कि फिर सेकंड लाइन से आपको जो 4 शब्द दिए हैं आपको उसमें से एक शब्द छांटना है। ये आपके हर लाइन के लिए एक शब्द एक फिल करना है, और हर फिलिंग के लिए 4 शब्द दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको ये बच्चे को समझाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। बच्चा सोचता है कि ऊपर के 4 शब्दों से ही हमें भरना है, तो ये चीज आपको उनको प्रॉपर समझानी है कि नहीं, फर्स्ट लाइन के लिए 4 शब्द हैं, सेकंड लाइन के लिए भी 4 शब्द हैं, थर्ड के लिए भी 4 हैं, फोर्थ के लिए भी और फिफ्थ के लिए भी। तो ये चीज आप उनको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, तभी वो इस टेस्ट को कर पाएगा। इसके बाद ये जो है ये कंप्लीशन टेस्ट है, पूर्ति परीक्षण। तो इसमें जो है वो बच्चे का बच्चा जो है ये बता पाएगा कि किस तरीके, आप ये समझ पाएंगे कि बच्चे को भाषा की और चीजों की कितनी समझ है कि वह जो है इन शब्दों को भर पा रहा है। इसके बाद आता है भाग 6। भाग 6 में के लिए आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। आपको ये अपने प्रयोज को बताना है कि भाग 6 के लिए आपको 3 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसमें जो है आप उसको फिर इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बताएंगे कि बिहारी एवं उसकी पत्नी सुखदेवी के 3 पुत्र हैं, गोपाल, प्रभाकर, राजकुमार। गोपाल का विवाह विमला के साथ हुआ है, विमला के पिता वेद प्रकाश और माँ लक्ष्मी रानी हैं। गोपाल और विमला के 1 पुत्र सुधीर और 1 पुत्री मधु हैं। विमला के 1 बहन कृष्ण कुमारी और 2 भाई विवेक और पीयूष हैं। कृष्ण कुमारी का विवाह श्याम के साथ हुआ है, इन दोनों का पुत्र कोमल है। इस पारिवारिक संबंध नीचे एक क्रम दिया है, इन्हें आप सावधानी से देखिए और फिर इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो इस तरीके से एक पूरा डाउन पैराग्राफ बनाया गया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर एक ये रिलेशन वाला क्वेश्चन आया है, और इसको समझ करके, इस चार्ट को समझ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसके लिए आपको 3 मिनट का समय दिया जाएगा, और ये मतलब आपको रिलेशनशिप की कितनी समझ है, बच्चे को रिलेशनशिप की कितनी समझ है, इस पार्ट से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा प्रयोज्य है उसको पारिवारिक रिलेशंस की कितनी समझ है। इसके बाद भाग 7 आता है। भाग 7 में भी के लिए आपको 4 मिनट दिए जाएंगे, और इसमें भी इसी तरीके से आपको उनको निर्देश पढ़ के समझाने हैं कि नीचे 10 कथन दिए गए हैं, प्रत्येक कथन के नीचे 4 उत्तर दिए गए हैं, इन 4ों में से एक सबसे उपयुक्त है जो कि प्रश्न का उत्तर है। अब आपको अपनी समझ से इन 4 उत्तरों में से एक छांटना है, जिसे आप छांट लें उसमें दाईं ओर सही का निशान लगा दें।
तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि एक विद्यार्थी 3 वर्ष से हाई स्कूल परीक्षा में निरंतर फेल हो रहा है क्योंकि, अब उसके ऑप्शंस दिए गए हैं कि यह सिनेमा देखता है, उसके दोस्त बहुत हैं, वह पढ़ता नहीं है, वह हिंदी में कमजोर है। तो अब इनमें से ये आपका ये एक तरीके का रीजनिंग क्वेश्चन है, और रीजन आपको समझना है कि आपकी समझ से सबसे बेस्ट, सबसे सुटेबल रीजन इसमें क्या है, क्या क्या चीज ऐसी है जो बच्चा नहीं जो जिसकी वजह से वह हाई स्कूल में निरंतर फेल हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको स्लाइड में दिख जाएंगे इस तरीके से। बाकी पीपीटी हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको टेस्ट प्रोवाइड हो सके, आपको मिल सके। इसके बाद हमारा 8th पार्ट आता है। 8th पार्ट को 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है और इसके लिए 12 मिनट का समय दिया गया है, क्योंकि इसके 2 भाग हैं, इसलिए इसके लिए इसमें आपको 12 मिनट का समय मिलेगा। आपको ये प्रयोज्य को बताना है और उसके बाद उसको पूरे निर्देश पढ़ के ऐसे बताने हैं कि नीचे हिंदी के पूरे वर्णमाला मात्राओं के साथ दी गई है। वर्णमाला का प्रत्येक शब्द और मात्रा एक विशेष गिनती से संबंधित है। तो इनका जो वर्णमाला के शब्द हैं और जो काउंटिंग्स हैं, जो नंबर्स हैं, इनका आपस में एक रिलेशन है, और नीचे प्रत्येक लाइन में कुछ गिनती दी गई है। नीचे उन्होंने फिर आपको केवल जो क्वेश्चंस हैं उसमें केवल आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, और उसके सामने वाली जगह पे आपको वे शब्द लिखने हैं जो इन गिनतियों से संबंधित हैं। मतलब जैसे 46 है, तो आपको इस लिस्ट में देखना है कि 46 नंबर जो है उसमें कौन सा वर्ड आ रहा है। तो 46 में आपका म आ रहा है, तो आप वहां पर म लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको बच्चे को समझाना है कि इनका कैसे नंबर्स का और इस वर्णमाला का किस तरीके का रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, और किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए एक उदाहरण उन्होंने दिया है, एक आपको एक स्लाइड ये दिखेगी। यहाँ पर लिखा है 42, 48 एंड 46। तो आप जब 42 नंबर सर्च करेंगे तो 42 के में जो नंबर है उसका जो शब्द है वो प है, 48 का र है और 46 का म है। तो 42, 48, 46 मिलाकर के परम बनाता है। तो इस तरीके से आपको बच्चे को समझाना है कि नंबर्स और जो वर्णमाला के शब्द हैं उससे जो मिला करके आपको इस वाले पार्ट को करना है। और ऊपर यहाँ पर इस तरीके से बता दिया गया है कि इस प्रकार आपको सभी मात्राओं और सभी वर्णों को ध्यान से देख करके अपना ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 8, ये पूरा करना है। सेक्शन 8 का फर्स्ट पार्ट पूरा करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 8 का सेकंड पार्ट आता है। इसमें भी कुछ इसके आप इनको इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बताएंगे कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, दाहिनी तरफ प्रत्येक कथन के लिए 3 या 4 उत्तर दिए हुए हैं, और इनमें से केवल एक उत्तर सही है। जो उत्तर आपको सही लगता है उसके नीचे आपको एक अंडरलाइन करनी है। तो अब इसमें कथन जैसे दिया गया है कि श्याम राम से बड़ा है, राम उमेश से बड़ा है, और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो आप यहाँ पर तीनों के नाम दिए हैं, राम, श्याम, राम और उमेश। तो आप बच्चे को ये समझ ना है कि इस इक्वेशन को उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसे बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो इस तरीके से उनको उसको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। देन जब 12 मिनट का टाइम पूरा, अगर 12 मिनट से पहले बच्चा कर लेता है तो आप उसको नेक्स्ट पार्ट में भेज सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट करने को दे सकते हैं। अगर वो 12 मिनट में नहीं कर पा रहा है तो आपको वहां पर उसे रोक देना है, स्टॉप करना है, और आपको फिर नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कराना है। तो इसमें समय का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि समय के हिसाब से ही आप सही तरीके से उसकी बुद्धि का मापन कर पाएंगे। तो आपको स्टॉप वॉच हर समय आपके पास होनी चाहिए, जिसकी जिससे आप टाइमर लगा दें ताकि आपको पता चल सके कि बच्चे ने काम टाइम से कंप्लीट किया है या नहीं किया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये 8 पार्ट थे इसके, 8 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब जब बच्चा ये पूरा कर लेता है तो आप उससे उस जैसे अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो
तो आप बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इधर एक तरफ से आप आंसर्स बोलेंगे और बच्चा अपने शीट में देख करके ये देखेगा कि उसका कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, उसके हिसाब से वो बताएगा आपको कि मतलब उनसे आप बच्चे को ये प्रयोज को ये बताइए कि जो भी आपका क्वेश्चन सही है इधर से मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन सही है उसमें आप टिक कीजिए और 1 लिखिए, क्योंकि हर एक सही क्वेश्चन के लिए उसे 1 मार्क्स मिलेगा और जो गलत क्वेश्चन है उसके लिए उसे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम जो फर्स्ट से लेकर के 8th पार्ट है इसको हम चेक करेंगे। और अगर हम इंडिविजुअल करते हैं तो इंडिविजुअल में आप ऐसा करने को पार्टिसिपेंट से नहीं कहेंगे, आप प्रयोजक को नहीं बोलेंगे कि वो अपने आंसर चेक करेगा। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो उसके आंसर्स आप खुद चेक करेंगे और उसका इंटरप्रेट आप खुद करेंगे। लेकिन जहां आप ग्रुप में कर रहे हैं और आपके साथ ज्यादा हेल्पर्स नहीं है या ज्यादा हेल्प नहीं हो सकती या टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, टाइम ज्यादा नहीं है आपके पास और आपको उसी समय चीजों को एनालाइज करना है, बहुत कम टाइम है, तो आप इसमें प्रयोज जी की मदद भी ले सकते हैं कि वहां पर उसने कितना सही किया है और कितना गलत, तो कुछ नहीं होता है बट ये है कि हाँ कितना सही किया है उसके आधार पे हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो इस तरीके से एक मैनुअल है इसका, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका मैनुअल दिया जाता है, इस तरीके का मैनुअल रहता है पूरा, उसमें आपको इस टेस्ट के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी और उसके अलावा इसमें इस तरीके से आंसर्स दिए रहते हैं कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके आंसर्स दिए हैं, जो सेकंड पार्ट है उसके, थर्ड पार्ट के आंसर्स दिए हैं, ऐसे करके आपको पूरे 8 पार्ट के आंसर्स दिए गए हैं इसमें। और इसके बाद आपको इन्होंने इसी में, क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक मैनुअल में ही सारा इंटरप्रिटेशन दे दिया कि अगर आपका इतना स्कोर है तो इसके बेसिस पे आपका क्या टी होगा, क्या टी स्कोर रहेगा और उसके आधार पे आपका क्या इंटेलिजेंस रहेगा, आपका जो स्कोर होगा आपके आईक्यू लेवल क्या रहेगा। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि अगर आपका स्कोर जो है 107 से ऊपर आता है तो आप वेरी सुपीरियर की श्रेणी में आते हैं, अगर आपका स्कोर 99 से 106 में आता है तो आप सुपीरियर की श्रेणी में आते हैं, अगर आपका 91 से 98 में आता है तो आप ब्राइट नॉर्मल हैं, अगर आपका 73 से 90 तक आता है तो आपका इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल है, अगर 65 से 72 आता है तो डल नॉर्मल, और अगर 57 से 64 आता है तो बॉर्डर लाइन पे आते हैं और 56 से नीचे आता है तो कोई ना कोई मेंटल डिफिशियंसी होती है, कोई ना कोई मेंटल डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से आप उसका आईक्यू लेवल समझ पाते हैं और इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं कि अगर आप अगर कोई बच्चा बॉर्डर लाइन पे है या डल नॉर्मल है, बॉर्डर लाइन पे है या डेफिशिएंट है तो एक्सक्यूज मी हाँ, तो अगर कोई बच्चा डल नॉर्मल है, बॉर्डर लाइन पे है या फिर डेफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसको नेक्स्ट सेशन के लिए आप बुला सकते हैं। अगर आप ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं या ट्रेंड काउंसलर हैं तो आप उसे सेशंस के लिए बुला सकते हैं, उसको कई तरीके के ट्रिक्स बता सकते हैं कि किस तरीके से आप बच्चे का मेंटल लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं, आईक्यू बढ़ा सकते हैं। आईक्यू बढ़ाने के भी कई तरीके होते हैं, कुछ नॉर्मल तरीके हैं जैसे कि आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं डेली डेली, अगर आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज करते हैं तो आपका मेंटल लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। इसके अलावा आप चेस खेलिए, चेस एक बहुत ही अच्छा माइंड गेम है जो आपके माइंड को बिजी रखता है और आपके माइंड को सोचने पे मजबूर करता है कि नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या है, और उसको जब आप सोचते हैं तो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है, आप फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर आप चेस खेलते हैं तो। इसके अलावा मेडिटेशन है, मेडिटेशन आपका आईक्यू बहुत बढ़ा सकता है और
कुछ ऐसे सर्टेन एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप काउंसलिंग सेशन में बच्चे को बता सकते हैं कि बच्चे को, अगर बच्चा डल नॉर्मल है तो बच्चा अगर समझ पाएगा आपकी बात को, लेकिन अगर बच्चा डेफिशिएंट है, किसी तरीके की मेंटल डेफिशिएंसी है, तो फिर आपको उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है। आप उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स को समझाएंगे कि आप उसे किस तरीके से बच्चे को हेल्प करनी है, किस तरीके से बच्चे को समझाना है कि वो किस तरीके से काम करे। आप अगर कोई बच्चा है जैसे डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, तो आप उसको हैंड पे लिख करके बता सकते हैं कि किस तरीके से वर्ड्स को वो सेंसेशन के थ्रू समझ सकता है कि कोई भी वर्ड कैसे बनाना है। जैसे बहुत नॉर्मली देखा जाता है कि डिसलेक्सिया के बच्चे जो हैं वो ये नहीं समझ पाते कि पी हम किस साइड से बनाएंगे, राइट साइड में टर्न करना है, राइट साइड में बनाना है कि लेफ्ट में, तो कई बार ऐसा होता है कि वो पी को 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि आप बच्चे को बच्चे के हैंड पे लिख के बताइए कि कैसे पी लिखा जाता है और कैसे 9 लिखा जाता है, तो उससे बच्चा जो है वो सेंसेशन के थ्रू समझ पाएगा कि उसे पी कैसे बनाना है। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल में जो है वो इंटेलिजेंस होती है, और हमारे बॉडी का हर एक पार्ट हमें बता सकता है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाना है। तो इस तरीके से हमें अपना ये टेस्ट करना है,